सबसे पहले हम यहाँ पे रील लगाएंगे, धागा डाल लेंगे, फिर धागा डाल के दिखा देंगे। बस ये हमने यहाँ पे रील लगाई और यहाँ से हम पहले धागा डालेंगे, इसमें डालेंगे, फिर इसको नीचे से ले जाके फिर ऊपर को टर्न करेंगे और फिर इसका यहाँ पे धागा आना चाहिए और फिर इसके नीचे से ये थोड़ा सा सामने, इसमें धागा सामने से पड़ता है, ये हो गया। ये हमें जिगजैग करने के लिए हमें सी है, ये जिगजैग का सी है, तो हम यहाँ पे सी करेंगे और फिर अगर हमें पैटर्न है, यस सर, सी पैटर्न करना है तो यहाँ पर सी, यस सर, और हमें अगर सीधी सिलाई करनी है तो हमें ए पे करना होगा और सर जिगजैग में ही अगर उसमें छोटी छोटी करनी है तो हम डी पे करेंगे, काफ़ी सारे डिजाइंस के लिए। और ये वाला है, हमें अगर लंबा टाका लगाना है तो हम वन पे छोटा ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा, फिर टू पे उससे बड़ा, फिर थ्री पे उससे बड़ा, ऐसे बड़ा होता चला जाएगा। और ये जिगजैग की लेंथ है, अगर हम यहाँ पे करते हैं तो थोड़ा कम लेंथ होगी, अगर जितने इधर बढ़ाते जाएगी हमारी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो अभी आप इसको 5 पे सेट कर रखा है क्या? यस सर, हमें लंबा टाका चल लेना है क्योंकि हमें ये दोनों चीज़ें ज्वाइंट करनी है, अगर हम छोटे से लेंगे तो हमारा ज्वाइंट नहीं होगा, अगर बड़ा लेंगे तो हमारे दोनों पार्ट ज्यादा है, इसलिए यस सर इसको लंबे से लिया हुआ है। इस स्विच का क्या रोल है इसका? सर ये बैक करने के लिए, हम सीधी सी सिलाई करते हैं, अगर हम इसे बैक कर देंगे तो ये वापस, यस सर, जैसे ऐसे लगाया और सीधी है, ये सीधी जा रही है, हमें बैक करना है 2-3 बार वहाँ पर सिलना है तो हम इसे दबा देंगे और ये ऐसे अपने आप आ जाएगी। ऑन ऑफ कैसे करेंगे मशीन को? सर ये ऑन ऑफ करने के लिए ये सर, और इस बटन का क्या रोल है सर? ये सर पुश करने के लिए, इसे हम पुश करेंगे तो मशीन चल जाएगी। ठीक है, तो आपकी स्टिचिंग मशीन है ये? यस सर, डिजाइनिंग मशीन है हमारी। बोबिन लगाने का तरीका बता, बोबिन लगाने का तरीका। देखिए बोबिन कैसे लगाते हैं, यहाँ से सर, एक मिनट, यहाँ पुश करना पड़ता है? यस, नहीं सर, ऐसे नॉर्मल से निकल जाता है, इसे हम निकालेंगे और ये हमने यहाँ से बॉबिन निकाली, धागा और धागा भरने के लिए सेम कलर के बॉबिन भर सकते हैं, यस सर, और अच्छे यहाँ से डायरेक्ट भर जाता है धागा, यस सर, धागा भर जाता है, इसमें फंसाया और यहाँ से यहाँ पर लगा दिया, एक इसे लगा देंगे और इसमें एक बार चला देंगे, धागा डाल रहे हैं यहाँ से वापस आया, फिर बहुत चलते हैं यहाँ नीचे गए, सामने से करते हैं, यस सर, सामने, इसमें सामने से धागा है, सामने होल रहता है, यस सर, नॉर्मल मशीन में हमारा साइड से रहता है। सर इस मशीन में एक फायदा और है कि हमें धागा अगर सिंपल मशीन में काटना रहता है तो कैंची से काटना पड़ता है और इसमें ब्लेड लगा हुआ है, इसमें ब्लेड लगा होता है साइड में, यस सर, साइड में ब्लेड लगा हुआ है तो ये ऐसे सीधे वहीं से काट सकते हैं, यस सर, इधर की साइड में है सर, ये रहा इधर है, अभी सर कट करके दिखा दूंगी मैं आपको, कौन सा वाला? इधर सर, ये वाला, ये वाला, यस सर, ये ब्लेड है, यस सर, अच्छा ठीक, कोई दूसरा था वो, एक बार आगे पीछे वाला भी करके दिखाना, छोड़ ना, अब दबाओगे तो पीछे उधर चला जाएगा, है ना, ठीक ठीक, बस ये आपने ऊपर उठा लिया, एक मिनट धागा, हाँ ये निकाल लिया, और ये करके एक मिनट
ये। अच्छा, इसमें अंदर की तरफ से ब्लेड लगी हुई है। यस सर, यहाँ ब्लेड लगी हुई है। हाँ, कट गया अपने आप। हाँ।